स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल फ्लॉप हॉरर ब्लॉग्स में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम वर्ल्ड के सबसे लकीस्ट पर्सन के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले जो चैनल में न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं। जो टॉपिक है वर्ल्ड का लकीस्ट पर्सन, जो कि है फेरन सेलेक, जो कि एक प्रोफेशनली म्यूजिक टीचर थे और इनके हैप्पली फैमिली भी थी, एक बच्चे भी थे इसके। इनका जन्म हुआ था 14 जून 1929 को और ये 7 बार मरते मरते बचे हैं, वो भी नॉर्मल नहीं, काफ़ी डेंजरस सिचुएशन से। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये 7 बार कूड़े मौत के मुंह में जाकर बाहर आ चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में वो सारे सिचुएशन के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ जिससे कि ये बाहर आए थे। तो पहला सिचुएशन हुआ था जनवरी 1962 में, जब ये ठंड के समय बारिश होता है हल्का फुल्का, तो ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। सफ़र करने के वक्त पूरी की पूरी ट्रेन ब्रिज में जाकर गिर गई, जिसके कारण काफ़ी लोग मरे, काफ़ी लोगों का वहाँ पर डेथ हुआ, लेकिन उसमें सिर्फ 17 लोग ही बचे, जिसमें से एक अपने फ्रेंड से अलग भी थे। तो इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं, उस ट्रेन पे जो फ्रेक गिरे थे तो इनके सिर्फ हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर आया था। उसके अगले ही साल जब फ्रेन स्लेक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, तब पहली बार ये ट्रैवल कर रहे थे। तो पहली बार ट्रैवल करने के वक्त, जैसे आप जानते हो कि हम इधर उधर छू देते हैं कुछ कुछ, तो वैसे ही करने से ये गलती से फ्लाइट का गेट खुल गया और ये ऊपर से नीचे गिर गए। गिरने के बाद इनको तो कुछ नहीं हुआ, साथ ही साथ फ्लाइट आगे जाकर टकरा गई और क्रैश हो गया, जिसके कारण 19 लोगों की मौत हो गई। उसके 3 साल बाद, मतलब 1966 में, वो एक बस पे राइड कर रहे थे और वो बस पास जो था वो रिवर में जाकर गिर गया। उसमें से सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, जिसमें से एक फ्रेंड सिलेक्ट थे। तो है ना, ये लकीस्ट पर्सन दुनिया के, और 3 हाथ से होने के बाद भी उनका सिलसिला थमा नहीं। 1917 में जब वो एक कार से ट्रैवल कर रहे थे, तभी उसमें फ्यूल टैंक में आग लग गई और पूरी की पूरी कार ब्लास्ट हो गई। लेकिन फ्रेंड सेलक को कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो पहले ही कूद चुके थे, वहां से बाहर आ गए थे। तो ऐसी ऐसी घटनाएं फ्लेक के साथ होती ही रही है। फेरन सेलक एक बहुत ही लकीस्ट पर्सन है दुनिया में। फिर 1973 में एक और ड्राइविंग इंसिडेंट हुआ उनके साथ। जब कार का जो एक्सीडेंट होता है तो उसमें फ्यूल टैंक लीक होने के कारण ब्लास्ट होता है, तो सेम सिचुएशन जैसे कि 4थी बार हुआ था उनके साथ, 5वें साथ भी दोहराया गया। तो भला ऐसा लाइफ किसको मिलता है? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 6थी बात तब है जब 1955 में वो ट्रैवल कर रहे थे कार से, और इतना ही नहीं, ट्रैवल करते करते ही वो जैसे ही कार से ट्रैवल कर रहे थे, उनके कार में बस ने जोर से टक्कर मार दी, जिसके कारण उनका कार 90 मीटर गहरी खाई में गिर गया। तो कार का तो पता नहीं चला, लेकिन ये उनसे पहले ही, गिरने के पहले ही ये वहां से बाहर कूद चुके थे, तो इनकी लाइफ सेफ थी। फिर से 1966 में ऐसे एक्सीडेंट होती रही इनके साथ, कार एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, ट्रेन, एरोप्लेन, हर तरह के एक्सीडेंट से ये बचते निकलते रहे। अब आप सोचोगे इतने बार बचकर भी इन्होंने क्या किया, एक टीचर ही तो है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है दोस्तों, इनको ही पता है इनके बारे में कि इनके लाइफ इनकी 2003 में बदल गई। जब इनका 73rd बर्थडे था, तब सेलेक को 9 लाख यूरो की लॉटरी लगी, जो कि इंडियन रुपीज में 7,42,86,000 रुपीज होता है। और क्या चाहिए किसी को। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।